الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله میرے استاد محترم قبلہ بابر حسین بابر صاحب بھیرا شریف والے بہت بڑے عالم نے انہاں دا لکھیا ہویا پنجابی دا ایک کلام تازہ تازہ مینو پہنچے یاد نہیں کر سکیا لہذا بہت ہی خوبصورت کلام امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر سارے ذرا دوست محبت نال آکھو سبحان اللہ خدا نے جو دتی او عظمت نرالی او عظمت نرالی نرالی خدا نے جو دتی او عظمت نرالی او عظمت نرالی خدا نے جو دتی او
अजमत निराली है जहरा दे पुत्र दी किस्मत निराली है जहरा दे पुत्र दी किस्मत निराली किस्मत निराली ओ बेटा अली दा ते भाई हसन दा ओ बेटा अली दा ते भाई हसन नबी दे नवासे दी निस्बत निराली निस्बत निराली बने खुद खुदा दे नबी सन सवारी बने खुद खुदा दे नबी सन सवारी है इब्ने अली दी फजीलत निराली है इब्ने अली दी फजीलत निराली अल्लाह अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली दीदम अली दीदम दवाए दर्द मंदा मदद शो मुश्किलम शेर यजदा सूरज लख आसमान ते चमकदार लगदा नहीं सरकार दी तली वरगा मैं इस नतीजे ते पहुंच आवा अर्श लगदा मदीने दी गली वरगा जेड़ा पत्थर मदीने दा नजर आया ओ हीरे दी डली वरगा नासिर शाह कायनात च नहीं आना ना नबी वरगा ना अली है इब्ने अली दी फजीलत निराली फजीलत निराली है करबल दे विच जिस ने कुरान पढ़े चुप नहीं राणा ते बोल के दसना कि असी समझ गए है करबल दे विच जिस ने कुरान पढ़े ओ कारी निरा तिलावत निराली नारे रिसालत नारे हैदरी है करबल दे विच जिसने कुरान पढ़िया मिलके कहना ओ कारी निराला तिलावत निराली तिलावत निराली
हकूमत न मंगी ते पैरत न कीती यजीद नक्शाए जोरो जफा बनाता है हुसैन इसमें खत करबला बनाता है यजीद नक्शाए जोरो जफा बनाता है हुसैन इसमें खते करबला बनाता है यजीद मौसमी सियां कला इलाज मरज हुसैन खाक से खाके शिफा बनाता है यजीद लिखता है तारीकियों को खत दिन भर हुसैन शाम से पहले दिया जलाता है यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है हुकूमत न मंगी सुभान अल्लाह बैत न कीती है इब्ने अली दी सियासत निराली है इब्ने अली सियासत निराली जिहड़ा आका इमामे अली मकाम दा सजदा है ना वो पूरी करबला दा नचोड़ है सुनो के उस्ताद मोहतरम ने की फरमाया करे नाज जिसते इबादत भी यारो इबादत वियारो ओ आबिद निराला इबादत निराली इबादत निराली अच्छा जी पीछे जिक्र होया कि हुकूमत नहीं मंगी फिर वेखना पवेगा कि आका इमामे अली मकाम दी हुकूमत है किथे अल्लाह सुभान अल्लाह मोहम्मद फारूक सरकार साहब किबला पीर साहब किबला शाह साहब हुकूमत नहीं मंगी लेकिन हुकूमत है किथे आका हुसैन दी तवज्जो करो आखिरी शेर है जरा दो बात बुलंद करके आखो सुभान अल्लाह सुभान हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद तिलाते हुकूमत ओ करदाए बाबर दिलाते हुकूमत ओ करदाए बाबर है उस लाडले दी हुकूमत निराली है उस लाडले हुकूमत निराली है जहरा ते पुत्र दी अजमत निराली अल्लाह करीम ने सानू अपने महबूब के सदके नाल मुफ्त च मुसलमान बनाया जिन्होंने एक गल पल्ले पन्नी है उच्ची बोलेगा सुभान अल्लाह अच्छा भाई मुसलमान बनने तो पहले किसी बंदे ने दरखास्त दिती होवे कोई बंदा रजिस्ट्रेशन करवाई होवे एप्लीकेशन दिती होवे कि या अल्लाह मैं जदों दुनिया ते जावां ते मेरी अख मुसलमान घराने दे अंदर खुले तुहाडे चो किसी बंदे ने दरखास्त दिती होवे आलमे अरवाज ते खड़ा हो जाए कोई बंदा नहीं अगर बफर्ज़े मुहाल
एक सेकंड वास्ते सोचो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तुहाडे चो मेरे विचो अल्लाह ना करे बारे दीगर हजार मरतबा तौबा, असी किसी हिंदू घराने दे अंदर पैदा हो जांदे ते की बनदा? दुनिया ते राम राम करदे ते आखर ते जिस्म नूं साड़िया जांदा। पहली ते आका हुसैन लजपाल दे सदके दे नाल अल्लाह ने साडे ते ए मेहरबानी कीती कि असी दुनिया ते सड़न तो बच गए। जेड़ा जेड़ा बचा उच्ची बोले सुभान अल्लाह। मुसलमान की इज्जत और अजमत की है, फौत हो जाता गुनाहगार होवे नेकोकार होवे जिवें दा भी होवे, कफन दफन का इंतजाम किया जाता है, खूबसूरत चारपाई मयसर की जाती है, कफन नु खुशबू लगाई जाती है और बड़े ही प्रोटोकॉल के नाल चार कंधियां दे उत्ते उठा के कब्रस्तान के अंदर बड़े ही प्यार दे नाल कब्रस्तान के अंदर लिटाया जाता है। दुनिया के अंदर यह निजाम इस्लाम तो इलावा कोई नहीं। पता चलिया सानू इस्लाम दे मनन वाले नू अल्लाह करीम ने अपने हबीब का सदका दुनिया से जिल्लत और रसवाई तो बचा लिया। ते दसो जिन्ना दा सदका सी दुनिया तो रुसवा हुण तो बच गए, अगर उन्हां दा जिक्र करदिआं करदिआं दुनिया तो जावांगे तो अल्लाह करीम दा हबीब भी राजी होवेगा, सोहना खुदा भी राजी होवेगा। अल्लाह जिहदी कबर सुथरी हो जाए ना, साडे मुफ्ती साहब बेरा शरीफ वाले दुनियावी लिहाज नाल 24 मुरब्बे दे मालक ने, अल्हम्दुलिल्लाह जमिया मुरबिया के मालिक ने, लेकिन अल्लाह करीम ने दीन का इल्म शाऊर अता फरमाया। वो फरमाते होंगे सन कि बेटा कामयाब वो बंदा है जिदी कबर सुथरी हो जाए, जिदी कबर सुथरी हो जाए, जेड़ा बंदा कबर के अंदर मुनकर नकीर के सवालों का जवाब दे गया वो वास्ते जन्नत की खिड़की खुल गई। असी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही फखर दे नाल आका हुसैन दी गुलामी दा ऐलान करने आ और दुआ करने आ कि या अल्लाह रखीवी हुसैन इबन अली दे गुलामा अंदर, मारीवी हुसैन इबन अली दे गुलामा दे अंदर। क्यों यो बारगाह है कि जिस बारगाह दे अंदर आउण वाला जहन्नम दे किनारे ते खड़ा सी, कोड़े नूं अड्डी मारी, सिर्फ साइड बदली, आका इमामे आली मकाम दे कदमी लगा ओ बंदा जेड़ा जहन्नम दे किनारे खड़ा सी, ओ जदो जन्नत मालिक दे कोल आया तो उन्हों अल्लाह ने हजरते होर बना छड़िया। सुभान एवे हुसैन एक लम्हे दे अंदर हुसैन जन्नत भी दे सकता है ते एक लम्हे दे अंदर हुसैन दी वजह तू दोजख भी मिल सकती है। जेड़ा हुसैन हुसैन करता जाएगा नबी दे नवासे दा सदका अल्लाह करीम हुसैन दे गुलामा दे अंदर रखेगा ते जेड़ा यजीद दी वकालत करेगा उनका हशर भी यजीदियां दे नाल होवेगा। अच्छा यजीद दी वकालत हिंदू नहीं करते, सिख नहीं करते, अपने करते, जरा बोलो सुभान अल्लाह। यजीद की वकालत करने वाले, यजीद का मुकदमा लड़ने वाले गैर नहीं अपने ने, पूरा कलमा पढ़ते ने, अद्धा नहीं पढ़ते, कुरान उन्होंने याद है और नमाजा तुहाडे तो लंबिया पढ़ते ने, सदके खैरात दीन दा इल्म मदरसे सब कुछ बनाया है। खुदा दी इज्जत और जलाल दी कसम है दो लफ्ज़ां दे अंदर सुनिया जे, जेड़ा बंदा यजीद दी वकालत करता है भावे पंज गज दाड़ी होवे साडा उहदे नाल ताल्लुक नहीं, ते जेड़ा लजपाल हुसैन दा जिक्र करता है भावे गुनाहगार होवे साडे वास्ते जनाबे वाला सिर दा ताज है हुसैनी जुए। सुभान अल्लाह उच्ची बोलो, तुहानू मुबारक होवे, अल्हम्दुलिल्लाह तुसी हुसैनी सुन्नी हो। अच्छा कई यजीदी सुन्नी भी लगे फिरदे जे,
अपने आप को सुन्नी भी कहलवांदे ने लेकिन वकालत यजीद दी करदे ने। लो जी दो शहजादियां दी जंग है और मैं क्या चलिया तेनू ये नहीं पता यजीद मौसम इसिया का ला इलाज मरज हुसैन खाक से खाके शिफा बनाता है। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। अल्लाह मेरे करीम रब ने फरमाया अहसिबन नासु अन युतरकु अन यकूलु आमन्ना, क्या लोग गुमान करते ने कि सानू जन्नत मिल जाएगी क्योंकि असा कलमा पढ़िया। जरा तवज्जो करिया अल्लाह करीम सूरतुल अल अनकबूत पहली दूसरी ते तीसरी आयत तेरे ते मेरे करीम रब ने फरमाया अहसिबन नासु अन युतरकु कि लोगों का यह ख्याल है कि उन्होंने छड़ दिता जाएगा अयकूलू आ मन्ना इस वास्ते कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया। जरा तवज्जो यह मतलब अल्लाह फरमांदा है प्या हर कलमा पढ़ने वाला जन्नती नहीं, हर बंदा जिन्हें कलमा तो पढ़ लिया लेकिन कलमे के तकाजे अगर पूरे नहीं किए कलमे की डिमांड पूरी नहीं की कलमा जो मंगता है अगर पूरा नहीं ना किया ते समझ ले कलमा पढ़न का भी फायदा कोई नहीं। इत्थे कई
बगैर जनाबे वाला मुसीबत बर्दाश्त कीते आ, बस कलमा पढ़ के जन्नत अंदर चला जावांगा। फरमाया ना ना, जिन्नी देर तकलीफ दे अंदर सबर नहीं करेगा, जिन्नी देर जनाबे वाला मुसीबत दे अंदर मैनू याद नहीं करेगा, ओनी देर जन्नत दे अंदर दाखला नहीं होवेगा। ए ते आम बंदे दी गल ने, आम मोमिन दी गल ने, ते जिन्ना दे घर कलमा नाजल होया है, भला हुसैन इब्ने अली दे उत्ते आजमाइश क्यों नहीं आउंदी, मेरे आका इमाम अली मकाम दे उत्ते इम्तिहान क्यों नहीं आउंदा? क्योंकि अल्लाह करीम आप फरमांदा है, मैं इम्तिहान इस वास्ते लैना वा, फल यालमन अल्लाह सदको, ताके मैं जाहिर कर देवा के सच्चे केड़े ने, वला यालमन अल काजीबी। ताके मैं जाहिर कर देवा के झूठे केड़े ने, पता चलिया सच्चे ते झूठे दे जनाबे वाला फर्क करन वास्ते, सच्चे और झूठे दे दरमियान तमीज करन वास्ते अल्लाह इम्तिहान लैंदा है। दुनिया ते बड़े बड़े इम्तिहान देने वाले आए, दुनिया ते बड़े बड़े साबिर आए ने, किसी ने अपना माल कुर्बान करके सबर किया, किसी ने अपनी जान का नजराना अल्लाह करीम दी बारगाह दे अंदर पेश करके सबर किया, किसने अपनी औलाद अल्लाह करीम दी बारगाह दे अंदर पेश करके सबर दा मुजाहरा कीता है। वतन जायदाद औलाद सब कुछ कुर्बान कर दे रहे, पर इन्हां साबिरां नूं सलाम है। आ जा मैं तेनों करबला दे उस कारी दे सबर दी गल दसां, जिन्हें अली असगर जैसा नन्ना फुल भी अल्लाह करीम दी बारगाह दे अंदर पेश कर दिता है। उस हुसैन ने 18 साल नौजवान शहजादा अली अकबर भी अल्लाह करीम दी बारगाह दे अंदर पेश कीता है। ओ वतन छड़िया वे जिस वतन दी शान वे के 70,000 सुबह है, 70,000 शाम, 70,000 सुबह है, 70,000 शाम, अरे कैसा समा बंदा है मुहम्मद के शहर में। ये मेरे नबी दे मदीने दी शान है, जिथे अल्लाह दे नूरी फरिश्ते सुबह दे वेले आके अपनी हाजरी लगवांदे ने, 70,000 शाम दे वेले हाजरी पेश करदे ने। गोया हुसैन ओ वतन पे छड़दा है, जिथे सारी दुनिया पैसा खर्च करके जांदी है, हुसैन इब्ने अली ने ओ वतन छड़या है ताके नाने दा दीन बच जाए, नाना मुस्तफा दा दीन बच जाए। जदों मेरे आका इमाम अली मकाम, इमाम हम्माम, इमाम हुसैन लजपाल सरकार मदीना छड़न लगे ने, नबी करीम दी बारगाह दे अंदर हाजरी दे के अर्ज करदे ने, हथ जोड़ इमाम ने अर्ज कीती, तेरा प्यारा हुसैन जीशान तुरया, तेरी मोहरे नबुवत ते बैन वाला चढ़ के नेजे ते पढ़ने कुरान तुरया, वेख ज़ैनब सकीना ते शहर बानो, तेरा अकबर अब्बास जवान तुरया, असा फिर मुसाफिरा नहीं आना, तेरे दीन तो होन कुर्बान तुरया। ओ नाना तेरे रोजे ते
अज तू बाद अपने भी आवणगे, दूर वाले भी आवणगे, करीब वाले भी आवणगे, पर तेरा नाजा दा पालिया हुसैन नहीं आवेगा। नाना यो मदीना प्या छुटदा जिथे मेरे नाना मुस्तफा दराजा अनवर, ओ मदीना प्या छुटदा है जिथे अम्मी जहरा बतूल दी कबर है, ओ मदीना प्या छुटदा है जिथे इमामे हसने मुज्तबा दी कबर अनवर है। पता चलिया हुसैन इब्ने अली ने वतन नाल प्यार नहीं कीता, बल्कि वतन वाले मुस्तफा दे दीन नाल प्यार कीता है। पढ़ फातिहा मां दी कबर उत्ते ए सखी हुसैन पुकार दे ने, मेरा बोलिया चलिया माफ करी, ए सलाम उन आखरी वार देने। नाना तेरा हुसैन करबला दा राही बनन वाला है, नाना एदे वास्ते सबर दी दुआ भी करी, अपने हुसैन वास्ते अजर दी दुआ भी करी। नाना जदू अली असगर दी मैं गर्दन दे विचों तीर कड़ा, नाना तेरिया दुआवां दी लोड़, मैं जदू अब्बास ते कट्टे बाजू ज़ैनब दे खैमे दे अंदर लेके आवा, नाना तेरिया दुआवां दी लोड़, जदू जान तू प्यारे अली अकबर दी लाश दे उत्ते घोड़े चलते वेखा, नाना तेरिया दुआवां दी लोड़े। फरमाया मेरे हुसैन जा चला जा, अल्लाह करीम दी रजा वास्ते कुर्बानी दे, मेरे मालक दी रजा वास्ते जेड़ा बंदा अपना तन मन धन कुर्बान करदा है, अल्लाह करीम फरमांदा है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, आजा मेरी राह दे अंदर कुर्बान होने वाले आ, जे सारी दुनिया तेरे कोल छट गई है ते दुनिया दा मालक तेरे वाले। सबर आजमालम हा मेरे आका इमामे अली मकाम मक्का पाक दे अंदर आए, चंद महीने मेरे आका इमामे अली मकाम ने मक्का पाक दे अंदर गुजारे। मेरे करीम नबी दे सहाबा ने समझाया हुसैन इब्ने अली ए नवासे रसूल करबला न जाया जे, ओ बेवफा लोग ने तुहाडे पापा अली दे नाल भी बेवफाई कीती, मौला अली नू शहीद करन वाले भी कूफे वाले, इमामे हसन नू जहर दिलवाण वाले भी कूफे वाले, अगर तुसी जाओ तुहाडे नाल भी उन्हां बेवफाई करनी है। मेरे आका इमाम ने फरमाया मेरी तरफ उन्हां दे जनाबे वाला खत आ रहे ने, ते खतां दे अंदर लिखिया जा रहा है या इमाम अगर तुसी नहीं आवोगे कल कयामत वाले दिन अगर अल्लाह ने साडे तू पुछ लिया कि यजीद दी बैत क्यों कीती है, असी करीम रब दी बारगाह दे अंदर यही उजर पेश करांगे, या अल्लाह तेरे नबी दे नवासे नूं बुलांदे रहे हुसैन नहीं आए, असा चारों ना चार मजबूरी दे तहत यजीद दी बैत नूं कबूल कर लिया। आका इमामे अली मकाम ने जदू इस तरह के खत पढ़े तो जाहिर उन्हां दा उजर माकूल सी, अपनी वफा दा उन्हां तज़करा कीता खतां दे अंदर, 12,000 खत आया। आका इमामे अली मकाम नूं मशवरा दिता गया हुजूर अगर जाना ही चाहते हो तो पहले अपने भाई हजरत जनाबे मुस्लिम बिन नकील नूं अपना नुमाइंदा बना के भेजो, ताकि अगर बैत करने वाले ने अपनी बैत का इजहार कर दिता तो फिर पता चल जाएगा जनाबे वाला उना इमामे मुस्लिम दी बैत कर लईए। इसे तरह होया जद मुस्लिम बिन नकील मेरे आका इमामे अली मकाम दे चचा जाद भाई आप कूफे तशरीफ लै गए, अपने नाल दो नन्ने नन्ने शहजादे भी ने
उन्होंने भी नाल लै गए। इमामे मुस्लिम की बैत हो गई। जदों यजीद और इबने ज़ियाद नूं पता चलिया कि मुस्लिम बिन नकील हुसैन का नुमाइंदा बन के कूफे दे अंदर बैत लै चुके आए, इबने ज़ियाद नूं भेजा गया। हजरत नुमान बिन बशीर ये चंगे बंदे सन, इमामे मुस्लिम नूं उन्हां बैत लैण तों रोकिया नहीं। यजीद ने इन्हां नूं मासूल कर छड़िया। ते कुत्ते दा पुत्तर इबने ज़ियाद जेड़ा बदबख्त जेदा पाप भी बड़ा जालिम आप भी बड़ा जालिम है, ये कूफे दा गवर्नर बन के आया। इन्हें इमामे मुस्लिम लजपाल सरकार नो कैदी कीता, फिर मुतालबा कीता कि ए मुस्लिम अपनी गल तो बाज आ जा। जनाबे वाला इमामे मुस्लिम हुसैन इबने अली दा भाई है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। फरमाया दुनिया दिया कुत्तिया एक करतन ते जा सकती है पर हुसैन इब्ने अली नाल बेवफाई नहीं कर सकता। इमामे मुस्लिम नूं शहीद कर दिता गया। बदबख्त कूफिया ने इमामे मुस्लिम दी बैत नूं तोड़ दिता। आप दे दवां शहजादियां नूं शहीद कर दिता गया। मेरे इमामे अली मकाम दी तरफ भी खत लिखिया जा चुकिया सी, हुजूर जलवा कर रो जाओ। कूफी अपनिया दिलों ते जान दे नाल अपनिया नजरां बिछा के तुहाडा इंतजार पै करदे ने। मेरे आका इमामे अली मकाम ने मुस्लिम बिन अकील दे इस खत दे उत्ते मक्का नूं छड्या कूफे दा इरादा कर लिया। रस्ते दे अंदर जदों आप नूं पता चलिया या इमाम कूफे ना जाया जे हजरत जनाबे मुस्लिम बिन अकील दी लाश मैं कूफे दे चौक दे अंदर टंगी वेखी है लटकी हुई वेखी है। मेरे इमाम ने फरमाया ओ खबर देण वालिया तेरा भला होवे, मैं अल्लाह दा शुक्र अदा करना वा कि मेरे भाई दी लाश लटकी ते वेखिया पर झूठ और बातल दे अगे झुकी नहीं वेखी। सुर ना सुनो इस पूरे वाक्य दा नचोड़ ज़हन दे अंदर बिठाओ कि जदू हक परस्त बंदा दीन ते डट जान वाला बंदा इरादा कर लैंदा है ना ते बड़ियां बड़ियां आंधियां और तूफान भी उन्हों अपने इरादे तो मोड़ सकदियां मोड़ नहीं सकदियां। लजपाल आका इमामे अली मकाम तशरीफ ले जा रहे ने दो मुहर्रम उल हराम। मेरे आका इमामे अली मकाम दी करबला दे अंदर जलवा करी खैमा लांदे ने जिथे किला ठोकिया जाता है उस जमीन दे विचों खून टपकदा है खून निकलदा है। अली दी बेटी सैयदा ज़ैनब अर्ज कर दिया ने ऐ मां जाए एक ऐसी सरजमीन जिथे एक किला ठोकिया खैमा नसब करन तो पहले एक खून बाहर पे फेंक दिए। मेरे इमाम ने फरमाया मेरी हमशीर ए यो मकाम है जिथे अली दा लाडला शहीद कीता जावेगा जिथे ज़हरा बतूल दा लख्त जिगर जनाबे वाला बेतरती दे नाल शहीद कीता जावेगा। सब तो पहले हुर बिन यजीद तमीमी रियाही कई लोग इन्हें यजीद का पुत्र आंदे ने नहीं ये यजीद और सी। अमर बिन साद और इबन ज़ियाद के हुक्म से सब तो पहले इमामे अली मकाम के मुकाबले से रोकने वास्ते हजरत होर आए लेकिन उन्होंने ये अंदाजा नहीं सी कि ये बदबख्त कूफे वाले या यजीदी इस नहज ते पहुंच जाएंगे कि इमामे अली मकाम नूं इन्हां दा कतल करना जरूरी हो जाएगा और लड़ाई जरूरी हो जाएगी। होर नूं नहीं सी पता दो मुहर्रम उल हराम तो लैके सत तक बातचीत चलती रही मुजाकरात चले लेकिन जदों इमामे अली मकाम अपने इरादे ते डटे रहना यजीदियां नूं फिक्री तौर ते नजरियाती तौर ते इमामे अली मकाम ने हरा छड़िया कि हुसैन जैसा पाक बाग ज़हरा बतूल दा बेटा अली दा लख्त जिगर नबी दे कंधियां ते खेलन वाला नबी दी ज़बान चूसन वाला
नबी दे हत्था दे अंदर अपने हाथ देन वाला ए यजीद पलीद दी बैत नहीं कर सकदा। हुसैन गर्दन कटा ते सकदा है, गर्दन झुका नहीं सकदा। बोलो हरा दिता मुजाकरात दी टेबल दे उत्ते दलील दे नाल आका इमाम अली मकाम ने उन्हां नूं हराया। बेबस हो गए फिर उन्हां गंदे दुश्मना दी तरह पानी बंद कीता ताकि हुसैन मजबूर होवे। उन्हें यह नहीं सी पता कि हुसैन का ताल्लुक उस खानदान नाल है जिस खानदान का बच्चा भी पत्थर ते अड्डी मारे आबे जमजम जारी हो जाए। खुदा दी कसम ए ते एक फुरात है, मेरा हुसैन अगर हौजे कौसर नु इशारा करता हौजे कौसर कर बला दे अंदर आ जाए। उच्ची बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आका इमाम अली मकाम दी शान है, बल्कि करबला दे अंदर हुसैन ने अपनी रूहानी ताकत बखाई अलैहि सलाम। एक बदबख्त ने आका इमाम अली मकाम नु ताना मारिया कि हुसैन वेख ये जड़ी अग तू जलाई है ना खंदक खोद के। नाउज बिल्ला वो बदबख्त बोलिया ते आखन लगा ए हुसैन तू दुनिया के उत्ते भी इस आग च जलना है नाउज बिल्ला ते आखर के अंदर भी तेरा मुकद्दर जहन्नम है। कोड़ किरली हैं जात दी कोड़ किरली ते आका इमाम अली मकाम ने ताना पे मारदा है। हुसैन इब्ने अली ने इंज करके हाथ उठाए इस तरह हाथ उठाए और फरमाया या अल्लाह इस बदबख्त दा मुंह बंद कर दे। अपने घोड़े ते सवार सी घोड़ा त्रिप गया बच्चा अपने सवार नु टेकिया उस बदबख्त नु ओदा एक कदम घोड़े दी रिकाब दे अंदर फस गया। घोड़े नु अल्लाह ने दस दिता ओ घोड़िया हुसैन नाल जरा दुश्मनी करता है ओनू ओनी देर छड्डी ना जिन्नी देर इस अग दा ओनू ईंधन ना बना देने। हुसैन ने हाथ उठाए घोड़े ने कमाल करके अपने सवार नू उस अग दे अंदर डिग गया और दुनिया वालियां नू हुसैन ने दस दिता कि हुसैन अगर चाहवे ते रूहानी ताकत दे नाल जनाबे वाला तैस नैस कर दे, लेकिन हुसैन आया इम्तिहान देन। हुसैन आया इम्तिहान देन। खैर पानी बंद होया आका इमामे अली मकाम लजपाल आका हुसैन पानी बंद होने तो बाद इस इम्तिहान दे विच्चों भी गुजरे ने शहजादे अली असगर की प्यास हजरत अली अकबर की प्यास जनाबे वाला हजरत सुकैना की प्यास भी बर्दाश्त की सब कुछ अपनी अखां दे नाल वेखे आए एक एक करके अपने जाने सारा नूं अल्लाह दे दीन तू मेरे आका इमामे अली मकाम कुर्बान कर दे गए ने कुर्बान कर दे गए ने। हत्ता कि ओ बेटा जिदी शक्ल और सूरत मेरे आका ताजदारे कायनात नाल मिलदी है शहजादे अली अकबर नूं भी हुसैन इब्ने अली ने नबी दे दीन वास्ते कुर्बान कीता। कौन शहजादे अली अकबर जिन्हां दी शान है वे अकबर तेरी उठ दी जवानी मंग दी गई है करबल पानी। मैं शहजादे अली अकबर दी शहादत नहीं बयान कर सकया वक्त थोड़ा है, लेकिन मेरा लिखा हुआ कलाम है जो कि नबी पाक दे दोवे नवासे हजरत अली अकबर अली असगर उन्हां दी बारगाह दे अंदर मेरा हदिया है। जरा मिलके तवज्जो नाल सुनो। अकबर तेरी उठ दी जवानी मंग दी गई है करबल पानी मंग दी गई है करबल पानी इबने हैदर तेरे अरमा इबने हैदर तेरे अरमा तीन तू कुर्बान अकबर तेरी वखरी शान। अच्छा ना पंजाबी जुबान दे अंदर
हो सकता है शुआरा ने कलाम लिखे हों लेकिन पंजाबी च मैनू कलाम नहीं सी मिल रहा शहजादा अली अकबर के बारे। यकीन करो तड़प लैके मुहब्बत लैके शहजादे अली अकबर के बारे में कलाम लिखने की कोशिश की मेरे करीम रब ने अता कर दिता। तुसी सुनो ते झूमो शहजादे अली अकबर की शान के अंदर लिखा होया मुझ फकीर दा कलाम कि मैं लजपाल हुसैन दे बेटे दी बारगाह दे अंदर साडी भी हाजिरी हो जाए साडा भी नजराना अकीदत पहुंच जाए। ए सूरत तेरी वांग नबी दे चुर्रत तेरी वांग अली दे दोवे अच्छा के हुसैन दे बेटे वास्ते मुहब्बत नाल मिलके कहना सूरत तेरी वांग नबी दे चुर्रत तेरी वांग अली दे करबल अंदर सर की वेले करबल अंदर सर की वेले देवे कौन आसान अकबर तेरी बखरी शान अकबर तेरी बखरी शान मेरे हुसैन दे सबर दा किस्सा बस है आले पाक दा हिस्सा सौदा रब दी रजा दा कीता सौदा रब दी रजा दा कीता देके पुत्र जवान अकबर तेरी बखरी। भाई जेड़े बंदे पीछे बैठे हो ना उन्होंने भी मैं अपने नाल शामिल करना चाहना मेरी हाजरी पेश हो रही है अगले भी अपनी हाजरी लगवा रहे ने हुसैन दे लजपाल बेटे दी बारगाह दे अंदर तुसी भी मिलके आखो अकबर तेरी बखरी शान असगर अकबर दीन तुम्हारे ज़ैनब पाक दी अख दे तारे हुरमल आखे पानी बदले हुरमल आखे पानी बदले मैं मारा तीर कमान असगर तेरी बखेरी शान सहारा बतूल दे बाग दा फुले दुनिया यसदी ना लैन दा मुले। वाह वाह या रसूल तवज्जो है ना ए ज़हरा बतूल दे बाग दा फुले दुनिया इस दी ना लैन दा मुल्ले ए जहनमी कुत्ते सारे हुरमल शिमर सनान असगर तेरी बखरी शान वारी आई मेरे इमाम दी वारी आई कौन इमामे अली मकाम राकिबे दोश रसूले नूरे दीदाए बतूले लखते दिले अलीयुल मुर्तजाए राहत जाने हसने मुजतबाए जन्नती नौजवाना दा सरदारे आशिकां दा काफिला सालारे ए मोमिना दे जनाबे वाला अहले बैत दी अख दे तारे ने टुटे दिलां दे सहारे ने शहीदे दश्ते करबला ने पैकरे सबर रजा ने ए मोमिना दे दिल दा चैन ते नाम मौला हुसैन ए मोमिना दे दिल दा चैन मौला हसन मौला हुसैन जेड़े टुर गए ना वो पछताण कि असि क्यों नहीं आए इस कलाम दे पढ़न दे दौरान रल के पढ़ो मोमिना ते दिल दा चैन मौला हसन मौला हुसैन मेरे नबी ते नूर ऐन
मौला हसन मौला हुसैन हुण कयामत गम आलम टुटन वाली है। बस मैं आका इमामे हुसैन दी शहादत पढ़ के अपनी हाजरी मुकम्मल करांगा। अगर सोने कबूल कर लैन साडी दुनिया भी समर जाए साडी आखरत भी समान हो जाए। गम दी कयामत दी गम दी जनाबे वाला कयामत टुटन वाली है। जमीन आसमान खून दे आंसू रोण वाले ने कायनात अर्जी ओ समावी दे अंदर सफे मातम बिछण वाली है। हुण ओ वक्त आउण वाला है हजरात तवज्जो हुण ओ वक्त आउण वाला है जिस वक्त बारे सोच के भी बंदा है मोमिन दी रूह कंब जावे। ओ क्यों ना आवे नबी दे कंधियां ते खेलण वाला हुसैन नबी दी जबान चूसण वाला हुसैन। ओ हुसैन जड़ा जन्नती नौजवान दा सरदार है उस हुसैन दी शहादत दीवारी है। जड़ा हुसैन सैयदा जहरा बतूल दी गोदी दे अंदर भी रोवे ते नबियां दे सरदार नू गवारा ना होवे। अल्लाह दा हबीब फरमावे मेरी बेटी जहरा मेरे पुत्रा नू रोन ना दिया कर। जदू हसनो हुसैन रोंदे ने मुहम्मद दे दिल नू तकलीफ हुंदी है। मैं कह जेड़ा नबी हसनो हुसैन दा रोना जहरा दे वेड़े दे अंदर ना वेख सकदा होवे। उस नबी ने करबला दे अंदर हुसैन दी लाश दे उत्ते जनाबे वाला भजन वाले दौड़ियां घोड़ियां नू किवें तकिया होवेगा। उस हुसैन दी जनाबे वाला जदू पेशानी दे अंदर तीर लगा होवेगा उस हुसैन दे जदू दिल दे अंदर नेजा मारिया गया होवेगा मेरे नबी दे कलबे अतहर ते की गुजरी होवेगी। आका हुसैन इब्ने अली खैमियावन आए जद नबी करीम दियां शहजादियां नू तकिया हसरत ओ यास दी तस्वीर बन के खलोतियां ने फरमाया ज़ैनब उम्मे कुलसूम ते सुकैना सबर दा मुजाहरा करिया जे मैं भी अपने करीम रब दी बारगाह दे अंदर अपनी जान दा नजराना पेश करन वाला वां। अर्ज कीती बाबा सैयदा सुकैना अर्ज करदियां ने बाबा सानू किदे हवाले करके लगे जांदे हो। ओ कुत्तियां ने अली असकर जैसे फुल नू भी मसल छड्या है मेरे वीर अली अकबर नू भी शहीद कर दिता है बाबा सानू किन्ना दे हवाले करके लगे जांदे हो। मेरे करीम हुसैन ने बेटी नू सीने लाया सीने लाह के मेरे आका हुसैन ने प्यार कीता फरमाया ज़ैनब उम्मे कुलसूम मेरी सुकैना नू रोण ना दिया जे ए मेरी नाजा दी पली बेटी है बड़े नाजा दे नाल पाली गई है इनू रोण ना दिया जे। ए यतीम होण लगी है जदों यतीमी दा लफ्ज़ सैयदा ज़ैनब ने सुनिया आपने फरमाया मां जाए अज सिर्फ सुकैन नहीं यतीम नहीं होण लगी बल्कि असी भी बेसहारा होण लगे आ सानू किन्ना दे हवाले करके जा रहे हो। फरमाया मेरी भैन पिटना नहीं सीना को भी नहीं करनी सबरो तहमल तो कम लेना है। ए ज़ैनब मेरा इम्तिहान खत्म होने वाला है अली दियां बेटियां दा इम्तिहान शुरू होने वाला है नबी दियां शहजादियां दा इम्तिहान शुरू होने वाला है। ओ ज़ैनब उम्मे कुलसूम जड़ियां करबला दे रेगज़ार तो जनाबे वाला कूफे दे बाजार दे अंदर कैदी बन के जान वालियां ने ओ जिन्ना दे नाने दा सदका अल्लाह ने लोकां नू जहन्नम तो आजादी दित्ती होवे अजो नबी दियां बेटियां कैदी बनन लगियां ने। मेरे आका इमाम अली मकाम घर वालियां नू सबर दी तलकीन करके आए अपने सरे अनवर ते अपना इमामा नबी करीम दा इमामा सजाया हथ दे अंदर मौला मुर्तजा दी तलवार फड़ी अपनी पुश्त दे उत्ते हजरत अमीर हमजा दा पटका बनिया कुबाए मिसरी जेबे तन कीती जनाबे इमामे अली मकाम लजपाल सरकार जदू अपने घोड़े दे कोल आए ने करबला दे मैदान दे अंदर जदू हुसैन ने तकिया चार चुफेरे बेटियां दियां लाशां भांजियां दियां लाशां भाइयां दियां लाशां जिन्ना दे उत्ते करबला दी तत्ती हवा
करबला दी गर्म रेत सठ दिए पई। हुसैन इब्ने अली ने दिल दे अंदर ख्याल कीता सारिया नु सवार करन वाला भी अली दा बेटा, कंधियां ते लियाउण वाला भी अली दा बेटा, हुसैन नु टोरन वाला भी कोई नहीं, हुसैन नु लियाउण वाला भी कोई नहीं होवेगा। इन्नी देर सैयदा ज़ैनब अपने भाई दे कोल आ गईयां, फरमाया भाई भावे मैं जात दी औरत हां, मैं अली दी बेटियां, मैं कम मर्दां वाले करांगी, बेशक इम्तिहान दी घड़ी है, पर अली दी बेटी ने भी अपने दिल दे उत्ते सबर दा पत्थर रख लिया है। सैयदा ज़ैनब ने अपने हत्था दे नाल अपने भाई दा कदम रिकाब दे अंदर रखे आए, रख के ते फरमाया मां जाए जा तेनू मैं उस मालिक दी सपुर्द करनी है जिदी रजा वास्ते मैं अपना यौन भी कुर्बान कीता है, अपना मोहम्मद भी कुर्बान कीता है। मैं कह अली दी बेटी दे सदके जिन्हें करबला तेरे गजारा दे अंदर, कूफे दे बाजारा दे अंदर, यजीद दे दफ्तर दे अंदर ऐसे खुतबे दिते ने, अली दी याद ताजा हो गई। मेरे आका इमाम अली मकाम जाके दुश्मना दे सामने अपना तारफ पेश करते ने और फरमाते ने बदबख्तो पहचानो मैं हुसैन इब्ने अली हां, नबी दा नवासा ज़हरा दा लख्त जिगर अली दा नूरे नजरा, मैनू पहचानो जिस नबी दा कलमा पढ़िया जे मैं उसे नबी दे कंधियां ते खेलण वाला हुसैन। कल कयामत वाले दिन ए ना आख्या जे कि सानू पता ना चलिया मैं कौन हुसैन के रसूल नाना बाबा अली ये अजे भी पुछने हुसैन की ये हुसैन दी मां नबी दी थी ये अजे भी पुछने हुसैन की ये। हजरत इज्जत शाम जो भी मेरे आका इमाम आले मकाम के मुकाबले ते आया वक्त आया ले कि खत्म कर दे जी ठीक क्लोज हो जाए। हजरात तवज्जो है ना, मैं तसलसल तोड़ना नहीं सी चाहता लेकिन मैं उलमा दा वक्त भी ज्यादा नहीं लेना चाहता, किसी दी जनाबे वाला वक्त नूं डिस्टर्ब करना ये अच्छी बात नहीं। तो हजरात इज्जत शाम मेरे आका इमाम अली मकाम लजपाल सरकार के सामने बड़े बड़े बहादुर ने कूफा और शाम है तमीम बिन कहतब आया शो मारता डिंगा मारता कि हुसैन वेख मैं तेरे मुकाबले ते आया। आका हुसैन लजपाल सरकार ने फरमाया तेनू नहीं पता अली का घर भी क्या घर है, हैं अल्लाह दो लख्त करके जमीन दे नाल लगा दिता। फिर आका इमाम अली मकाम दे मुकाबले ते जाबिर बिन काहिर कुम्मी आया, आपने उन्होंने भी इसे तरह वासले जहन्नम कीता। बदर बिन सुहेल यमनी जो भी बहादरान ने कूफा दे विचों हुसैन दे मुकाबले ते आया ना, खुदा दे इज्जत और जलाल दी कसम इस तीन दिन दे भुखे ते तीन दिन दे प्यासे ने उन्होंने वासले जहन्नम कीता। इतनी जुर्रत और सबसे बड़ी गल ए वे एक बंदा कल्ला होवे ना और उन्होंने सिर्फ अपनी जान दा होवे होर गल हुंदी है। जिथे 71 लाशां भी उठाइया ने ते पिछे नबी दियां शहजादियां दी कैद भी अखां दे सामने जदों मंजर आउंदा है ना ते हौसला बयान करन वाले दा नहीं पैंदा ते जिन्हें इहदा अमल करके विखाया उस हुसैन दी शान की होवेगी। वाकई इमाम अली मकाम लजपाल सरकार ने वन बाई वन जिन्ना भी मुकाबला किया उन्हें सारिया तोड़िया सारिया तोड़िया। आखिर ते जदों 1000 तीर अंदाज ने आका इमाम अली मकाम सरकार दे जिसमें नाजनीन नू अपने तीरां दे नाल छेदना शुरू किया ना ते हुसैन इब्ने अली दे जिसमें मुबारक दे विचों खून रवा हो गया। घोड़े दी ज़ीन तो फर्श जमीन ते आका लजपाल सरकार ऐ ना ते सारे तीर जो कि जिस्म से लगे सन जिस्में मुबारक दे अंदर पैवस्त हो गए। अबुल खनूक बदबख्त ने पेशानी मुबारक दे अंदर तीर मारिया, ओ मुबारक पेशानी जिन्हों कमली वाले आका बोसा देंदे रहे तीर मारिया तीर कट के मेरे इमाम ने फरमाया ओ बदबख्ता तू ते नबी करीम दी भी ख्याल नहीं कीता ए पेशानी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर झुकन वाली है।
सनान बिन अनस बदबख्त ने आका इमाम अली मकाम नु नेजा मारिया जेड़ा कल्बे अतहर दे यार पार हो गया। इसे तरह शिमर बदबख्त अगे आया हुसैन लजपाल सरकार दा सरे अनवर तने अकदस तो जुदा करन लगा है। आपने फरमाया बदबख्ता ओ अबलक कुत्तिया रुक जा हुसैन जेड़े मकसद वास्ते करबला दे अंदर आया है ओ मकसद की है के जख्मों से चूर चूर है आता के दर में आए जख्मों से चूर चूर है दुश्मन के दर में आए फिर भी कजा हुसैन का सजदा ना हो सका। फरमाया सजदा हुसैनी करबला दे सारे मिशन दा नचोड़े जमाने वालियां नूं मैं दस के लगा जाना वा अल्लाह दी राह दे अंदर सब कुछ भी कुर्बान हो जाए पर नमाज कुर्बान ना होवे सजदा कुर्बान ना होवे शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे ये सजदे में पड़ा। कहती है जमीने करबो बला इस शान का सजदा खेल नहीं। खूने मुश्कबू बहने लगा खाक पर इस्लाम के दिल का लहू बहने लगा। अल्लाह करीम तुहाडी और मेरी हाजरी नूं अपनी बारगाह कबूल फरमाए मेरे आका इमाम अली मकाम दी रूह पाक नूं जन्नत दियां हूरां और फरिश्ते रेशम और मखमली लिबास के अंदर मलबूस करके आसमान की तरफ इस जन्नत के दूल्हे नूं लेके जा रहे ने और अज फरिश्ते भी अश अश पे करदे ने कि वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन सारे आखो वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन ऐ हुसैन इब्ने अली ऐ जमीने करबला तेरे नसीबा नू सलाम तेरे उत्ते सुत्ते हुए सारे शहीदा नू सलाम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।